अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको दौरान हज मशाय ट्रेन का सफ़र कैसा होता है ये मुकम्मल मालूमात दी जाएगी और इसमें क्या क्या एहतियातें करनी है और कैसे आप यहाँ पर बहुत सी मुश्किलात से आसानी से बच सकते हैं। Straight. Right, huh, straight. Straight and after straight, left. Okay, left. No, right. This is the train way. I think this is the train way. Oh. But we are going this way. Okay. But I think this way is... Okay, thank you. Hey, aapke paas? This is ticket of the train. Oh. Okay, thank you so much. ये इंडोनेशियन खातून थी जो मुझसे ट्रेन पर जाने का रास्ता मालूम कर रही थी। मैंने भी टूटी पुटी इंग्लिश में इसे जो है वो समझाने की कोशिश की और इनको जब ये पता चला कि ट्रेन की टिकट कहाँ है तो मैंने इनको अपने हाथ में मौजूद कड़ा दिखाया और यही हमारे पाकिस्तानियों के लिए ट्रेन की टिकट होती है। अगर आपके हाथ में कड़ा होगा तभी आपको ट्रेन में जाने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको ट्रेन में सफ़र में जाने ही नहीं दिया जाएगा। यानी ट्रेन का भी एक सफ़र होता है जो कि घंटों का सफ़र होता है। आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इस वीडियो को देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको ट्रेन का सफ़र करने के लिए कितना पैदल चलना पड़ेगा। जब हम लोग ट्रेन का सफ़र करने के लिए अरफात के मैदान से निकले मुजदलफा के लिए तो हमें ट्रेन का सफ़र मिला था और हमें बाकायदा ट्रेन का टिकट जो है वो कड़े की सूरत में मिला था। तो हम इस वीडियो में पूरा मैं बताऊंगी आपको कि आप आसानी के साथ जाइए। देखें जितने भी लोग ये जा रहे हैं ट्रेन का सफ़र करने के लिए जा रहे हैं और कितना ज़्यादा इनको चलना पड़ेगा ये आपको इस वीडियो में दिखेगा। देखिए सामने से ट्रेन जा रही है, आपको जाती हुई ट्रेन भी नज़र आएगी। ये ट्रेन जा रही है और ये है ट्रेन का स्टेशन। एक ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन इसकी तरफ जा रही है। तो जब जो ज़ायरीन है ट्रेन में बैठ जाते हैं तो ट्रेन अपने सफ़र पर चली जाती है और सिर्फ 10 मिनट में ही आपको आपके जहाँ पर आपको जाना होता है मुजदलफा, अरफात, मीना और जमरात वगैरह तो ये आपको वहाँ पर पहुँचा देती है। इसका सफ़र सिर्फ 10 मिनट का है लेकिन इस ट्रेन तक पहुँचने के लिए आपको घंटों का सफ़र करना पड़ता है। तो ये आप देखें, आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखना ज़रूरी है ताकि लोग ये समझते हैं कि हमको तो ट्रेन मिली हम तो फ़ौरन पहुँच जाएंगे। तो इसका सफ़र हमने किस तरह से तय किया और सब किस तरह से तय करते हैं ये इस वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बशर्त ये कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और तवज्जो से देखें। इस वक्त जो है हम लोग मीना में हैं और जब मैं आपको अब आगे का सीन दिखाऊंगी उसमें हम लोग अरफात से मुजदलफा की तरफ जा रहे हैं और अहराम में हैं। तो इस सीन में आप देखें कि अरफात के मैदान से जब मगरिब के बाद आप मुजदलफा के लिए जाते हैं तो ये हमने देखें ये सफ़र शुरू कर दिया है हमने और सब ने अहराम भी पहने हुए हैं। जबकि इससे पहले का जो सीन आपने देखा था वो हम मीना में उस वक्त थे जब अहराम की पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं और वो वीडियो मैंने पहले इसलिए दिखाई ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, दिन का टाइम था कि आप आसानी से दूर से ट्रेन और स्टेशन को देख सकें। तो वो वीडियो जो बनी हुई थी शुरू की स्टार्ट की इस वीडियो में तो उसमें ये था कि हम लोगों ने कुर्बानी वगैरह कर ली थी और जब अहराम की पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं तब वो सीन था। और अब जो है हम लोग जा रहे हैं अरफात के मैदान से मुजदलफा की तरफ के लिए, हम ट्रेन में बैठने के लिए जा रहे हैं। इसमें कितनी मुश्किलात पेश आएंगी ये तमाम इस वीडियो में मौजूद हैं। अब देखें हम ज़मीन पे चल रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा ये फ़र्श है। इसके बाद फिर आपको एक पुल पे चलते हुए हम नज़र आएंगे। इस वक्त हम फ़र्श पे चल रहे हैं और हमारा जो रास्ता है ये काफ़ी देर से शुरू हो चुका है। मैं वीडियो में काफ़ी कटिंग कर करके आपको दिखा रही हूँ ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो, लेकिन आप लोग अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर दूर ट्रेन स्टेशन होता है और वो सिर्फ ट्रेन वालों के लिए ही इतना करीब है जो कि उनकी नज़र में बहुत करीब है लेकिन असल में वो कितना दूर होता है ये आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगाएं। अब देखिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऊपर आपको एक कुबरी यानी पुल नज़र आ रहा है, वो पुल भी पूरा लोगों से भरा हुआ है और हम लोग नीचे खड़े हुए हैं। Yeah.
उस दलफा की तरफ जाने के लिए अरफात के मैदान से निकल रहे हैं। कितने किलोमीटर का नहीं है वो, तो ट्रेन में बैठ जाए तो 10 मिनट का है ना, लेकिन ट्रेन तक पहुंचना ये जो है ना, हम पहले आए थे अब देखें यहाँ पर लोग भी सब यही बातें कर रहे हैं कि असल मसला तो इस ट्रेन तक पहुँचना है वरना देर नहीं लगती। अब देखें हम लोग नीचे थे पहले, कितनी देर नीचे खड़े रहे, फिर इसके बाद अभी इस वक्त जो आपको सीन नज़र आ रहा है हम पुल पर पहुँच चुके हैं। इतनी देर नीचे इंतज़ार करने के बाद हमारी बारी आई है, तो हमारा जो क्राउड था वो पुल के ऊपर पहुँचा है और इस वक्त मैं पुल के ऊपर सारी ट्रेन की वीडियो बना रही हूँ। ये ट्रेन स्टेशन अभी भी काफ़ी दूर है और अब जो नीचे क्राउड खड़ा हुआ है, यहाँ पर पहले हम खड़े हुए थे और अब हम कुबरी के ऊपर यानी पुल के ऊपर पहुँचे हैं। बड़ी मुश्किल से खुदा खुदा करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये देखें इस पुल के ऊपर काफ़ी जो है वो रश है और ऐसे बहुत सारे पुल हैं। आप देखें जहाँ जहाँ रेड लाइन नज़र आ रही है, इससे पीछे भी लोग हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे इससे पीछे भी लोग हैं। और अब मैं दूसरी तरफ इस पुल के दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगी तो वहाँ पर भी बहुत नीचे लोग हैं और इसके बाद पुल है, यानी हर नीचे का क्राउड उसके पास वाले पुल तक ऊपर जाता है और फिर वहाँ से सीधा आगे निकलता है और इसी क्राउड को एक एक जगह पर देखें, अभी सब रुके हुए हैं। सामने देखें आपको दूसरा पुल नज़र आ रहा है, उसके नीचे भी लोग नज़र आ रहे हैं और इसके बाद भी एक पुल है उसके नीचे भी लोग हैं। तो ये सारा जो क्राउड है नीचे पहले जमा होता है, फिर इसके बाद जब आगे वाला क्राउड और आगे जाता है तो पीछे वाला क्राउड पुल पे आता है और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्टे करते करते रुकते रुकते जो है वो अल्लाह अल्लाह करके हम ट्रेन तक पहुंचते हैं। और जब ट्रेन आती है तो ये भी मैं पूरे सीन आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट, तो ज़रूर मुकम्मल देखिए ताकि आप आसानी के साथ अपना सफ़र मुकम्मल कर सकें। और बिल्कुल ना घबराइएगा, हज के दिन मुशक्क़त भरे दिन हैं और यही कहा गया है कि हज के दिन में मुशक्क़त का भी जो है वो आपको अज्र व सवाब मिलेगा। तो ये आप लोग इस वक्त देख रहे हैं नीचे कितना क्राउड, कितनी देर तक मुसलसल एक एक घंटे तक हम एक एक जगह पर खड़े थे, तब कहीं जाके आगे वाले लोग ट्रेन में बैठते थे और फिर हम ट्रेन की तरफ हमारा सफ़र और आगे होता था। तो बुज़ुर्ग लोग थे वो अपने साथ एक चेयर छोटी सी रखते थे जो कि इजी फील करते थे और थोड़ी थोड़ी देर बैठ जाते थे, वरना उनका खड़ा रहना मुश्किल हो जाता। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा इस वीडियो का पार्ट टू, जिसमें और भी मुकम्मल तफसीलात आपको दी जाएंगी। इंतज़ार कीजिए, जल्दी आएगा वीडियो को। अगर लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ हमारे चैनल हजन उमरा पर जा रही है। ट्रेन बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह ने के बाद।